हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मशहूर रैपर हनी सिंह पिछले काफी दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब उनकी पत्नी शालिनी सिंह ने उन पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया है। आपको ये जरूर बता दें कि भाई इस केस की पिछली सुनवाई में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने हनी सिंह के लिए एक नोटिस जारी किया था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई सिंगर यूएई में अपने घर को नहीं बेच सकते हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर ये कहा था कि भाई हनी सिंह अपने घर को तब तक नहीं बेच सकते हैं जब तक ये मामला कोर्ट में है। अब हनी सिंह ने इस मामले में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जिसमें उन्होंने कोर्ट को विश्वास दिलाया है कि भाई वो यूएई में अपने घर को नहीं बेचेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार कोर्ट ने उन्हें अपनी विदेशी कंपनी के दस्तावेज और कुछ अन्य दस्तावेज कोर्ट में जमा करने के आदेश जारी किए थे। अब खबरों की माने तो भाई हनी सिंह की वकील रेबिका जॉन का ये कहना है कि भाई हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप पर अदालत सुनवाई कर रही है और अदालत इस तरह से उनकी संपत्ति को बेचना बंद नहीं कर सकती। तो कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने अपनी दलील में ये कहा कि हनी सिंह के कारोबार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपको ये भी बता दें कि भाई अदालत ने ये निर्देश हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया था। अब आवेदन में ये आरोप लगाया था कि भाई उनके पति दुबई में संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने और कुछ संपत्तियों का निपटान करने की कोशिश में है। उन्होंने अदालत को ये बताया कि भाई हनी सिंह के पास दुबई में तकरीबन 333.73 वर्ग मीटर का देखे एक पॉश मिला है जिसे उन्होंने विदेश में स्थापित अपनी एक कंपनी के माध्यम से उसके लिए खरीदा था। अब शालिनी ने आवेदन में ये भी दावा किया है कि भाई उनके पति ने 19 नवंबर साल 2019 को उनके पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की थी जिससे उन्हें यूएई में स्थित उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों पर अधिकार और नियंत्रण मिले। तो शालिनी ने यह भी कहा कि उसे आशंका है कि भाई उनका पति अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर सकता है और शालिनी ने अदालत से यह अनुरोध किया है कि वो हनी सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने और दुबई में व्यक्तिगत रूप से या अपनी कंपनी के माध्यम से संपत्ति के तीसरे पक्ष के अधिकारों का निपटान करने से रोके। तो देखिए, शालिनी ने हनी सिंह को अपनी किसी भी विदेश कंपनी के निदेशक पद को बदलने और यूएई में स्थित सभी चल और अचल संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने के रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की थी। आपको ये भी बताते चलें कि अब 28 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वैसे हनी सिंह से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।